हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेल के प्रकार के बारे में कि बेल के प्रकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन सी बेल किस धारा के तहत फाइल की जा सकती है और कौन सी बेल कब मिल सकती है और कहां फाइल करनी चाहिए, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें बेल के प्रकार के बारे में, तो बेल का प्रकार पहला है रेगुलर बेल, दूसरा है एंटीसिपेटरी बेल, तीसरा है डिफॉल्ट बेल और चौथा है इंटरिम बेल। तो अब हम एक एक करके सभी बेल को समझते हैं और किस धारा के तहत उसे फाइल की जाती है, कहाँ फाइल कर सकते हैं और क्या क्या असर जो है बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंटीसिपेटरी बेल से। तो एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी सेक्शन 438 के तहत फाइल होती है। सीआरपीसी सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण कंडीशन है एंटीसिपेटरी बेल की कि आपको गिरफ्तार होने से पहले, यानी कि आपको गिरफ्तार किया जाता है उससे पहले फाइल की जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये अंदेशा है कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकती है या फिर उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है लेकिन अभी तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है, तो पुलिस गिरफ्तार करे उससे पहले एंटीसिपेटरी बेल फाइल की जा सकती है। एंटीसिपेटरी बेल में भी बिफोर एफआईआर और आफ्टर एफआईआर इस तरीके से भी फाइल की जा सकती है कि जैसे अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज करा सकता है या आपको अंदेशा हो गया है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकती है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली है और आपको ऐसा लगता है कि ये एफआईआर झूठी है और आपको गलत तरीके से फंसाया गया है, तो आप एफआईआर दर्ज होने के बाद और गिरफ्तारी होने से पहले भी एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। यानी कि गिरफ्तारी होने से पहले जो फाइल की जाती है वो एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है और वो सीआरपीसी सेक्शन 438 के तहत फाइल की जाती है। दूसरी है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल के बारे में बताया तो सीआरपीसी सेक्शन 437 और 439 में रेगुलर बेल के बारे में बताया गया है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने या फिर सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने रेगुलर बेल फाइल कर सकते हैं। अब रेगुलर बेल कब फाइल किया जा सकता है, तो रेगुलर बेल जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद जब उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद कभी भी आप रेगुलर बेल फाइल कर सकते हैं। रेगुलर बेल के बारे में बात करें तो आप अगर चाहे तो रेगुलर बेल कभी भी और कितनी भी बार रेगुलर बेल फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये महत्वपूर्ण रहता है कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस है वो चेंज हो जाए पहले जब आपने बिल किया, रेगुलर बिल फाइल की, और अगर बाय चांस अगर रिजेक्ट हुई है तो आप जब सर्कमस्टेंसेस ऑफ चेंज होते हैं उसके बाद आप रेगुलर बिल फिर से फाइल कर सकते हैं और कितनी भी बार आप फाइल कर सकते हैं। उसका कोई नंबर फिक्स नहीं है कि आप इतने ही बार रेगुलर बिल फाइल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि चार्जशीट से पहले आप फाइल कर सकते हैं, चार्जशीट के बाद में भी आप फाइल कर सकते हैं, इसके बाद अगर चार्जशीट दोनों बार अगर रिजेक्ट हुई है तो फिर कंप्लेनेंट की जो जुबानी है वो अगर कंप्लीट हो जाती है और उसमें कुछ आपके फेवर में कुछ निकलता है तो जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए तो तब भी आप रेगुलर बेल फाइल कर सकते हैं। यानी कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार रेगुलर बेल फाइल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि सर्कमस्टेंसेस जो है फैक्ट है वो चेंज होने चाहिए। अब कई बार हमने ये देखा है कि जब रेगुलर बेल डायरेक्ट सेशंस कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में फाइल की जाती है तो वहां पर से ऑनरेबल हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि पहले आप प्रॉपर चैनल से आइए, पहले आप नीचे फाइल करके आइए और बाद में आप अगर वहां पर नहीं मिलती है, रिजेक्ट होती है, तो आप यहां पर आइए। तो इसका ये प्रॉपर चैनल से आने के लिए कहा जाता है। लेकिन कई बार हमने ये सुना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले नीचे बेल रिजेक्ट करानी पड़ेगी और उसके बाद रेगुलर बेल है जो कि ऊपर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
क्योंकि मैजिस्ट्रेट को ये पावर दिए गए हैं कि अगर महिलाओं का कोई केस है या फिर बच्चों से रिलेटेड है, कोई वृद्ध है एक्यूज पर्सन में, तो कई बार जो है अगर केस के जो है केस को अगर इफेक्ट नहीं होता है और तो उसमें वहां पर वहां से ही बेल मिलने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि जो अगर कोई बड़ी जो सेक्शन लगाई गई है, गंभीर सेक्शन लगाई गई है, तो नीचे बेल रिजेक्ट ही करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको नीचे से भी बेल मिल सकती है या सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट जाने की जरूरत ना भी पड़े। यानी कि बेल, रेगुलर बेल के बारे में बात करें तो वो रेगुलर बेल गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के बाद आप जब भी जो कभी भी लगा सकते हैं। यानी कि जो एक्यूज पर्सन को कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद आप कभी भी रेगुलर बेल लगा सकते हैं, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 437 और 439 में बताया गया है। तीसरी बेल के बारे में बात करें तो डिफॉल्ट बेल, तो डिफॉल्ट बेल के बारे में बात करें तो सीआरपीसी सेक्शन 167 में डिफॉल्ट बेल के बारे में बताया गया है। अब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है और अगर उसके ऊपर जो है सेक्शंस जो लगाए गए हैं उसमें सजा का प्रावधान 10 साल से कम की सजा का प्रावधान है, तो उसमें 60 दिन के अंदर अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल कर देनी होती है। और अगर कोई ऐसी जो सेक्शंस है जिसके में सजा का प्रावधान 10 साल से ऊपर का है या फिर जो है आजीवन कारावास का है या डेथ पेनल्टी का है, तो उसमें 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो है चार्जशीट फाइल कर देनी होती है। लेकिन अगर पुलिस के द्वारा 60 दिन और 90 दिन के समय के अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है, तो यहां पर एक्यूज जो पर्सन है उसका ये राइट बन जाता है, उसे राइट मिलता है कि वो डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगाए और उसे डिफॉल्ट बेल मिले। डिफॉल्ट बेल में ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर ये समय रहते हुए यानी कि 60 दिन और 90 दिन में अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, तो यहाँ पर उसे डिफॉल्ट बेल मिलती ही है। उसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट या फिर जज के साथ डिस्कशन का यहाँ पर सवाल ही नहीं होता है, ये उसका राइट है और उसे डिफॉल्ट बेल मिलती है। लेकिन अगर कोई एक्यूज पर्सन जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है 60 दिन और 90 दिन में, और अगर वो डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन नहीं लगाता है और बाद में अगर पुलिस जो है चार्जशीट फाइल कर देती है, तो यहाँ पर उसका डिफॉल्ट बेल का राइट है वो चला जाता है। यानी कि अगर आप एक्यूज पर्सन हो या आपका कोई रिलेटिव एक्यूज पर्सन है और अगर 60 दिन या 90 दिन का यहाँ पर समय बीत गया है और अभी अब तक जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, तो डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। अदरवाइज अगर जो पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी तो फिर आपका ये राइट्स चला जाएगा। चौथी है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल के बारे में शायद ही आपने सुना होगा, या क्योंकि जो सीआरपीसी में इंटरिम बेल के बारे में यहाँ पर कहीं पर भी जो है मेंशन नहीं है, कहीं पर भी बताया नहीं गया है। बेसिकली इंटरिम बेल का मैं आपको जो कॉन्सेप्ट अगर समझाऊं, तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना चाहता है लेकिन अभी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई एविडेंस नहीं है और उसे डॉक्यूमेंट या फिर एविडेंस कलेक्ट करने हैं, उसके लिए समय चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल में जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं या एविडेंस रखने हैं उसके लिए उसको समय चाहिए, तो यहाँ पर उनका जो एडवोकेट होता है वो कोर्ट से गुजारिश करता है कि हमें एंटीसिपेटरी बेल रखनी है और हमारी जो एंटीसिपेटरी बेल में कुछ एविडेंस या कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें समय चाहिए, चाहे 10 दिन का हो, 7 दिन का हो, 15 दिन का हो, उसका कुछ समय चाहिए और उसके बाद हम जो है प्रॉपर तरीके से एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं, तो उतने दिन हमारी गिरफ्तारी ना की जाए, तो उसे इंटरिम बेल भी कहा जाता है। और ये मैंडेटरी नहीं है कि ये मिले और ये फाइल की जाए, ये कोई राइट्स नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे संजोगों के आधार पर जो है इंटरिम बेल फाइल की जाती है, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें समय देना उचित है, तो अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए इंटरिम बेल भी दी जा सकती है। यानी कि ये कोई सीआरपीसी में प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर एंटीसिपेटरी बेल में कई बार जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं या फिर कुछ एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, तो कुछ समय मांगा जाता है एक्यूज पर्सन के द्वारा, तो उसमें यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल पर हियरिंग फाइनल हो उससे पहले जो सबूत के लिए या एविडेंस के लिए जो समय मांगा जाता है और उसके लिए जो बेल मांगी जाती है उसे इंटरिम बेल कहा जाता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन दोस्तों कि बेल के कौन कौन से प्रकार है, कितने प्रकार है, और जैसे कि रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, डिफॉल्ट बेल और जो है इंटरिम बेल। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा,
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें हमारे जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।